राधे राधे। हम सभी आज फिर से जा रहे हैं गुरु जी के यहाँ दर्शन करने सत्संग में। और मंदिर कल हमने घूमा था, आप वीडियो देख सकते हैं कल की, जिसमें कि आपको पूरा मंदिर देखने को मिलेगा और गुरु जी के प्रवचन भी मिलेंगे। और आज हमारे साथ हमारी चाची भी आई हुई हैं, और ताई से तो हमने आपको कल ही मिलाया था, और मम्मी से भी, और आगे कल के हुए हैं पापा और इधर भैया बैठे हुए हैं। जब हम मंदिर पहुंच जाएंगे आपको दर्शन कराएंगे गुरु जी के। और कल की वीडियो ज़रूर देखे हैं जिसमें आपको पूरा मंदिर विजिट करने को मिलेगा, त्रिवटी नाथ मंदिर जहाँ पे गुरु जी का सत्संग हो रहा है। तब तक के लिए राधे राधे। हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है और अब हम जा रहे हैं गुरु जी के दर्शन करने। चाची बोलो राधे राधे। पापा बोलो राधे राधे। मम्मी राधे राधे। चाची राधे राधे। ताई बोलो राधे राधे। गुरु जी के दर्शन अभी हम आपको बस कुछ ही देर में कराएंगे। उससे पहले हम यहाँ नवग्रह मंदिर में आए हैं। कल यहाँ पर हम नहीं आए थे, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर नवग्रह मंदिर भी है, तो अभी हम यहाँ पर दर्शन करने आए। आप भी कर लीजिए और इसके बाद हम जाएंगे गुरु जी के दर्शन करेंगे और प्रवचन सुनेंगे। और पूरा मंदिर अगर आपको देखना है, भगवान जी के दर्शन करने हैं सभी के, तो कल वाली वीडियो ज़रूर देखें। मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था लेकिन अभी फिर से बता दिया है। राधे राधे। अब हम आ गए हैं मुख्य द्वार पर जहाँ पर गुरु जी का सत्संग हो रहा है। अब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर गुरु जी प्रवचन देंगे, और अभी अर्चिका दीदी प्रवचन दे रही हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी स्कूलों के और कॉलेजेस के, यहाँ पर राजश्री फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन KCMT एवं अन्य कॉलेज एवं स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर। अब ज़्यादा बात ना करते हुए सुनते हैं आज का दीदी के प्रवचन, उसके बाद गुरु जी प्रवचन देंगे, उनको सुनेंगे। अपने पेट पर गुरु जी अब आ गए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं अर्चिका दीदी जी के साथ में, और अब कुछ देर में ही गुरु जी प्रवचन देने वाले हैं, तो हम लोग सुनते हैं ध्यान से। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्ब श्रीशते लक्ष्मीश पत्न्या बभूरात्रे तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, अर्चिका दीदी की। तो अपने आप को बहुत ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं, परंतु उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो विचार हैं वो
विचार शुद्ध हो, विचार विचारों में जितनी पावर आती चली जाएगी वैसे ही हमारी जिंदगी बनने लग जाती है। आराधना ही है, परमात्मा की पूजा है। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह भी बहुत देर उठना, देर तक सोते रहना, और उनके लिए कई लोगों के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त है वो तो रात होती है। वो कहते हैं कि 4 बजे या 5 बजे तो रात हो रही होती है, कौन उठता है। तो आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए अगर हम चाहते हैं स्वर्ग जैसे संसार बने। नमो नमो वै ब्रह्मदेव वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यासी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। अवसर है कुछ लोगों को मंच पर आमंत्रित करेंगे गुरुदेव के स्वागत के लिए, और इस क्रम में अनुरोध है हमारे बीच सरस्वती विद्या मंदिर से एक छात्र अक्षत मिश्रा आप आए और गुरुदेव के आशीर्वाद में विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के तौर पर आपको आमंत्रित करते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए। साथ यहाँ बात करेंगे श्री सुरेश प्रताप सिंह। दम है तो आप अपने आप को ऊपर उठाओगे और दुनिया आपका सल्यूट करके स्वागत करेगी, इसलिए खुद के अंदर दम पैदा करें। माँ बाप सपने देखते हैं, मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए, कुछ नहीं बनना। जब तक आप अपना सपना खुद नहीं देखोगे और अपने लिए खुद मेहनत नहीं करोगे, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपना सपना खुद देखिए और अपने लिए खुद मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचिए, अपनी सफलता तक पहुँचिए। वो समय आपका इस समय है। आपको मैं ये बताऊँ, हम लोगों की संस्था पूरे देश में 86 ब्रांचेज में काम करती है और 11 देशों में बाहर, अमेरिका में, कनाडा में, अनेक देशों में हम लोग हैं। लेकिन अगर आप यूरोप और अमेरिका की बात करें, वहाँ किसी को मोटिवेट करेगा या मोटिवेशनल कुछ भी सजेशन दे, उसके पैसे चार्ज करता है, और छोटे मोटे नहीं, डॉलर्स में जो है पैसे लिए जाते हैं, और वहां के लोग उसकी वैल्यू भी समझते हैं। तो आपको जो इस समय मैं बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर आप इस समय याद रख सकें, जिसने भी याद रखा और जिसने भी इच्छा की है, आने वाले समय में वो विचार आपकी बहुत बड़ी ताकत बनेंगे।
आपको ये छोटी छोटी प्रेरणाएं आदमी को बहुत आगे ले जाती है। बच्चे को छोटा फील कराना, टॉन्ट कसना, ये सारी चीजें प्रताड़ना कभी प्रेरणा नहीं बनती। कमियां निकालने से कोई बच्चा, उसका नाम रख लेने से कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ जाए। आप सोचिए कि छोटे बच्चों के मन में ये बहुत संवेदनशील होते हैं, इनको छोटा सा भी कोई मजाक करके कमियां निकाल दे, हीन भावनाएं पैदा कर दे, इससे तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो जिंदगी भर चलता है। और खासतौर से जो बच्चे पी नहीं देते, इस समय हार्मोन्स जिस तरह काम कर रहे होते हैं, तो माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। हर बात में टोका टाकी करना, कमियां निकालना, बुरा कहना, डांट से पछताते रहना, कई माँ बाप तो सीधा सीधा बोलते हैं पढ़ना नहीं है, हलवाई की दुकान पर बर्तन साफ करेगा, साइकिल के पेंचर लगाना जाकर। बच्चे मजाक बहुत उड़ाते हैं दूसरे का, और यहाँ टीचर्स भी बैठे हैं, बहुत सारे शिक्षक भी बैठे हैं। आप लोगों को पता होगा, आपका एक नाम तो सब जानते ही हैं, और आप लोगों का एक नाम और होता है जो बच्चे बोलते हैं, और वो क्लास में बोलते हैं कुछ खास तरह का नाम रखा हुआ होता है। हर टीचर का कोई एक नाम रख लिया जाता है, और वो नाम टीचर को नहीं पता होता है, और बच्चों को सबको पता होता है। और जब टीचर आता है तो बच्चे धीरे से वो नाम बोलते हैं, और उसके बाद बाहर अंदर अंदर हंसते हैं, बाहर पता नहीं लगता। लेकिन ये उम्र होती है, इसमें नाम भी रखे जाते हैं, मजाक भी की जाती है। टीचर बुरा माने ना माने, पर मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, आपके आदर देने ना देने से टीचर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है आपको ही पड़ता है। क्योंकि जिसका आदर करोगे उससे आदर करके बहुत कुछ पा सकते हैं। कुछ क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है, कुछ और बिंदुओं पर भी हम पॉइंट्स पर बात करेंगे। अब पहली बात ये कहना चाहता हूँ आपसे, तो कभी कभी अपनी लीडरशिप क्वालिटी को जगाने के लिए आप लोग स्कूल में कोई फंक्शन होता है, माइक पर आने की आदत डालो। भले ही आप कोई पोयम सुनाओ, कोई स्टोरी सुनाओ, कोई कोटेशन सुनाओ, माइक पर आते ही आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, और आपको लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ हूं। दूसरी बात, अच्छी ड्राफ्टिंग, अच्छा लिखना, ये भी शुरुआत से ही कोशिश करनी चाहिए। आपकी कोई हॉबी हो, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप अच्छा ड्राइंग करते हैं, कोई कविता लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, कोई पोएम आप लिखते हैं, तो वो लिखिए, और आपका जो सोवनियर छपता है स्कूल में उसमें आपका फोटो आए, तो वो फोटो जब आप देखते हैं तो आपको तो आत्मविश्वास जागता ही है, लेकिन जब आप अपने घर में दिखाते हैं, आपके माँ बाप का सीना गौरव से फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है, माँ बाप कितने खुश होते हैं। और कमाल की बात तो तब होती है जब आपके रिश्तेदार घर में आते हैं, तो आपके माँ बाप वो सोवनियर उठाकर
जहाँ आपका फोटो छपा होता है उसको दिखाते हैं। देखो ये मेरे बच्चे का फोटो है। आजकल मोबाइल करो ज्यादा टेलीफोन टेलीविजन और ध्यान भटकाने वाली जितनी चीजें हैं उन पर कंट्रोल करना सीख जाइए। मैं एक उदाहरण, एग्जाम का टाइम जब आए तब क्या करना चाहिए वो भी सुन लो। अब ये ध्यान से सुनना जो अभी बता रहा हूं। डॉक्टर हर्षिका जो आपको गायत्री मंत्र बुलवा रही थी, एक तो गायत्री मंत्र जरूर बोला करें। कितने बच्चों को गायत्री मंत्र आता है, हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत अच्छी बात है। माता का चित्र हो तो उस पर आप सफेद फूल चढ़ाइए और मन मन में हो सके तो 3 बार गायत्री मंत्र बोलना। ठीक। अगली बात, 1 गिलास पानी का अपने टेबल पर जरूर रखिए और 1 घंटे की सिटिंग आपकी जरूर होनी चाहिए जब आप एग्जाम की तैयारी करें। बीच बीच में ध्यान भटकने लग जाए तो वो जो गिलास पानी का रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो घूंट पानी पिए जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन पूरी मिले। ये ध्यान रखना क्योंकि बीच में उबासी आने लग जाती है या आलस में आने लग जाता है उस समय आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा पूरा पानी एक साथ नहीं पीना, 1-2 घूंट ले लीजिए और फिर पढ़ना शुरू करिए। पढ़ने में खास बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनिए। पढ़ते समय याद करते समय 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो आपका ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो स्टोर हो रहा है। तीसरी बात, क्या उसे रिकॉल करें आप तो रिकॉल होता है। यही बात, जब आप पढ़ रहे हैं तो जितना आपका मन केंद्रित है कंसंट्रेशन आपकी बेहतरीन है तो जो पढ़ा जा रहा है वो रिकॉर्ड होगा, अंदर जाएगा, अंदर आपके स्थिर होगा। आंख बंद करके जो पढ़ा है आपने फिर से उसको मन मन में दोहरा लीजिए। करना है थोड़ी देर के बाद जब और भी आप पढ़ते जाते हैं तो पहले वाले को रिकॉल करिए, जो मैंने पढ़ा था, मैंने रजिस्टर किया था, रिकॉर्ड किया था, जो स्टोर हुआ था क्या मुझे याद है। हाँ, सारा पोता काम को पूरा करो। आप लोगों के साथ बैठे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। से साथ और कल मॉर्निंग सेशन के बाद मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है। जो भी लोग से मंत्र दीक्षा लेने के लिए संकल्पित हैं उनसे अनुरोध है कि दीक्षा का फॉर्म भरें। गुरुजी के सत्संग में से हमने उनका एक ये प्यारा सा फोटो फ्रेम ले लिया है जो कि 100 रुपए का है और ली है एक ये माला जो कि है तुलसी की माला और ये भी 100 रुपए की है। गुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही अच्छे से गुरुदेव के दर्शन हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल मिलेंगे आपसे
फिर से सत्संग में। तब तक के लिए राधे राधे बम बम भोले। विशेष रूप से वहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं, संपर्क करके वहाँ